हैं सैयद मुश्तबा हुसैन जैदी, सफ़ीर टीवी में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो सैयद अफजल हुसैन अब्बास साहब है, अफजल अब्बास साहब है जो शिया वक्फ बोर्ड बिहार से जो है वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। और अब्बास साहब आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया जी। अब हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो जो आपके हमको जो ख़बर मिली है कि आपके आपकी जो हुकूमत की जानिब से और शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से जो जिस तरह के फलाही काम आपका जो महकमा कर रहा है वहाँ पर, और जिस तरह से आप लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट और हर वहाँ पर जो है कई मसाजिद और बगैर जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस जो है हर मज़हब के लोगों को जो है आप वहाँ पर इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस पेंडेमिक के जो है एज में, तो हम जो है उस पर बात करेंगे। अब्बास साहब, आप जो है जो जिस तरीके से आप यहाँ पर जो 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 सप्लाई कर रहे हैं वो आप हुकूमत की का इसमें जो है कितना इन्वॉल्वमेंट है या कोई दूसरी तंजीमें भी आपसे जुड़ी हुई है? देखिए, मेरा नाम अफजल अब्बास है, शिया वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ। जी जी जी। और ये जब पेंडेमिक फैला, बिहार में भी फैलने लगा, प्रकृति ये आफत की इस घड़ी में जी जी हर लोग परेशान हाल है। जी जी। वैसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगा कि बिहार में अब शिया वक्फ बोर्ड के जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन की वजह से मौत ना हो जी। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब में हर जहां जहां हर जिला में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया ताकि लोगों को ऑक्सीजन के चलते मौत ना हो सके। वैसे मौत अल्लाह मौत हयात अल्लाह के हाथ पे। जी बिल्कुल। हमारी टीम शिया वक्फ बोर्ड की टीम में खुद जाकर हर जिला में, सिवान हुआ, छपरा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, दरभंगा हुआ, ससराम हुआ, डेहरी ओंसर हुआ, ससराम मतलब गया हुआ, जहां जहां मुमकिन हुआ मैंने खुद जाकर वहां सिलेंडर पहुंचाया ताकि वहां जरूरतमंद हो या मजबूर हो को इसकी इससे मदद मिले और फिलहाल इमरजेंसी में ये ऑक्सीजन के काम आ सके और जिंदगी बच सके। करीब करीब मैं समझता हूँ कि 200-250 ऑक्सीजन रिफिल करा के लोगों तक हम लोगों ने मुहैया किया है। ऐसी हालत में जबकि एक एक सिलेंडर मिलना मुश्किल था और लोग हर तरफ क्राइसिस था कि सिलेंडर चारों तरफ सिलेंडर का क्राइसिस था, उस दौर उस एरा में जाके हम लोगों ने इसकी मदद करने की कोशिश की और एक मुहिम के तहत हम लोगों ने इसको अंजाम दिया और दे रहे हैं ताकि जो है लोग को इसको फायदा पहुंच सके। ये कि मेरी इंसानियत के बुनियाद पे था, इसमें कोई मतलब बियॉन्ड द रिलीजन, इसमें नहीं कि मैं शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है तो शिया ही आजाद को मिले, मुस्लिम की बात नहीं। इंसानियत के बुनियाद पे हम लोगों ने इस काम को करना शुरू किया और हर वो मजबूर या जरूरतमंदों तक इस ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। जी जी जी। तो ये इस आपकी इस मुहिम में ये जो कोई आप सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट या वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व है या किसी किस्म का टाई अप कोई एनजीओ ग्रुप से भी आप लोग? कोई एनजीओ नहीं, शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से है। जी जी। और चूंकि हम लोग ने खुद ही फैसला किया था सरकार, चूंकि शिया वक्फ बोर्ड ने खुद ही फैसला लिया, चूंकि मैं शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, इस नाते मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। जी जी जी। और एक इंसान अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपने जीना कोई जीना नहीं, अगर हमारी जिंदगी हमारे कोशिश दूसरे की जिंदगी के लिए होनी चाहिए तो हम इस बुनियाद पे काम कर रहे हैं। ऐसे भी हम लोग शरीयत में भी कि इंसान इंसान की जिंदगी बचाता है तो गोया वो अपनी इंसानियत को बचाता है, तो इस नजरिए से हमने काम शुरू किया। जी जी। और कई बहुत एप्रिसिएशन भी मिला, मुखासर के मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, कई चैनलों ने दिखाया, कई सोशल मीडिया ने, कई पोर्टल ने बहुत इसकी तारीफ की कि एक अहम काम था जो आप लोगों ने किया, मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर हमने किया और कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बहुत लोगों को फायदा पहुंचा। जी जी। तो जनाब नीतीश कुमार साहब का जो है कितना आपको अभी जो है ताउन और किस किस्म की जो है मदद वो दूसरी किस्म की भी कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री, देखिए माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार के मालिक हैं, वो भी हमारे सुप्रीमो हैं, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट कर ही रहा, लेकिन चूंकि वह एक अलग है ऑटोनोमस बॉडी ही अपने तरफ से समाज की खिदमत कर रहा है, ये एक आम बात थी। जी जी। इसलिए
फैसला किया, शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, मतलब शिया वक्फ बोर्ड ने अपना काम इसको शुरू किया कि लोगों तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जाए। जी जी, और ये आपका टारगेट कैसा होता है, मीन्स एवरी डे जब आपको जब एक टास्क होता है तो एवरी डे किसी किस्म का टारगेट होता है कि आज हमको इतने सिलेंडर जो है किसी जगह पर? टारगेट कुछ नहीं, हम लोगों ने हर जिला में एक ही जगह जाके 2-4 सिलेंडर हर जगह दे दिया कि, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि यार ये सिलेंडर यहाँ पे है, जो जरूरतमंद है इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन की अगर आपके पास रिफिल का पैसा नहीं तो हम लोग खुद करते हैं, अगर जो लोग सक्षम है, जो लोग सलाहियत है तो रिफिल करा के वापस कर दे, और नहीं तो हम लोग खुद ही रिफिल करा के दोबारा रिफिल करा के सेंटर पहुंचाते हैं। एक तो ये है, इसमें कोई टारगेट नहीं है, जहां जरूरत पड़े, जहां मौका मिला, जिस जगह पे अवेलेबल है, 12 बजे रात में भी मेरे मोबाइल पर कोई फोन करता है अगर मेरे पास अवेलेबल सिलेंडर है तो फौरन हम उसको मुहैया कराते हैं। अभी आपके फोन करने से पहले मैं समझता 2-3 घंटा पहले, अभी हम जहाँ पे रहते वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर पे एक आदमी का आया था, उसे परेशान हाल था, सिलेंडर था। अब्बा साहब, ये किसी किस्म की जो है ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है? कोई ट्रेनिंग नहीं, हम सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं और वो लोग अपने डॉक्टर से मशवरा लेके, चूंकि ऑक्सीजन है ये पैंडेमिक में, ये महामारी में तो हो जाए कि सांस की प्रॉब्लम काफी हो रही है, ऑक्सीजन चाहिए ही, और जाहिर सी बात है ये डॉक्टरों की जो टीम ये कहती है कि लंग्स ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जा रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के जीना मुहाल हो गया था, हो रहा भी, तो मरीजों की तादाद जो बढ़ रही है, जो अमवात हो रहे हैं, वो भी सिर्फ ज्यादातर से ऑक्सीजन की वजह से, इसके लेवल इतना कि 60, 50, 40, 50, 55 इस तरह से हो जा रहा, तो जो 90 के एबव है, नीचे है, 80 से यहाँ का है, 80 के 85 के लेवल अगर है, उनको फौरन ऑक्सीजन मुहैया करा दिया जाए तो वो रिकवर कर जा रहे हैं, लेकिन देर होने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो 60-65 पे आते हैं, तो उसकी जिंदगी बचाना बड़ा मुश्किल डॉक्टरों के लिए हो जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि फौरन जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है फौरन लीजिए, ताकि मेंटेन किया जा सके। और ये अभी आपके स्टेट में क्या स्थिति है, मिस ऑक्सीजन की क्या शॉर्टेज है, अगर कंपेयरिंग अगर दूसरे स्टेट से जो इसमें क्षेत्र जो कमी है, बहुत शुरुआत में तो बहुत किल्लत थी सरकार, क्योंकि सारे अब आप सोचिए कि कंजम्पशन पहले जहाँ 100 सिलेंडर का हो, वहाँ एक पे 1,000, 2,000, 3,000 का सिलेंडर का डिमांड बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है क्राइसिस होगी, और लॉकडाउन की वजह से सिलेंडर बाहर से आना, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है गुजरात में होता है और महाराष्ट्र में होता है, वहां से आना बंद हो गया, इसलिए और किल्लत हो गई, मतलब सिलेंडर की ऑक्सीजन अवेलेबल था, है, लेकिन सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सरकार ने जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल है जो कोविड हॉस्पिटल जिसको घोषित किया था, उनको प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर वहां पहुंचा रहे थे कि ताकि वहां के जो मरीज है वो मतलब बच सके, फिर भी अलग से लोगों ने हर बहुत सी तंजीमों ने इस पे काम किया है, नहीं कि मैं शिया वक्फ बोर्ड ही कर रहा, बहुत लोगों ने अपने ऊपर उठा, एक ही सेंटर, दो ही सेंटर, पांच ही सेंटर मिलकर लोगों ने काम करना शुरू किया ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जाए, जिंदगी किसी की, मैं समझता हूँ कि मैं मेरा ये काम अगर करने से अगर किसी की जिंदगी बच जाती है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा खुश नसीब नहीं रहूंगा। तो जो मौला अली का जो नहजुल बलागा में जो कॉल है कि एनीबडी इज लाइक ब्रदर इन फेथ और ब्रदर इन ह्यूमैनिटी, तो वो है आप उस पे काम जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बहरहाल हम जो है आपको जो इसमें जो है शिया इसमें जो है आपको वहाँ पे कितना जो है वहाँ पर आपको शिया लोगों की जानिब से कितना वहाँ पे आपको सपोर्ट है वहाँ पे? लेकिन आवाम बहुत खुश है, शिया ही नहीं, मानवता के आधार पर, इंसानियत के बुनियाद पर ये मैसेज बहुत गया, चूंकि मीडिया में सोशल मीडिया खूब चला और लोगों ने, चूंकि हमने नहीं कहा कि चला, ये लोग को मालूम हुआ, लोग अपना बयान देते रहे, तो इसका ये फायदा ये हुआ कि देखिए लोगों में हौसला बुलंद हुआ और बहुत सी तंजीमें ये देख के भी आगे आई कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो शिया कम्युनिटी से मतलब ये नहीं है, इंसान हर वो इंसान इस मुसीबत की घड़ी में किसी की मदद उसकी हौसला अफजाई लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए ताकि उसको और मजीद और उसको मदद करने में काम करने में उसको अच्छा लगे कि हाँ हमारे काम करने का सिला तो हम नहीं कहेंगे, ये काम करने पे लोग तारीफ करें, तारीफ कोई अल्लाह की, देखिए ये मसला ये है कि अगर आप कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए करें, लेकिन जिस मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो और भी लोग जो है आगे बढ़ के, दो हाथ आगे बढ़ के इसमें मदद करने।
करने की कोशिश कर रहा है जी। और रही बात वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, तो वहाँ पर जो है वक्फ के जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो है कितने परसेंट जो आपके वहाँ पर जो आपके जो है हुकूमत के अंडर में है, या कई जो है जगहों पे जो है इससे पहले बदउनवानी हुई है? देखिए ऐसा है कि अफसोस की बात है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि अफसोस की बात ही है जी 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 कि वफ क्या बोर्ड का चेयरमैन जो होता है वक्फ बोर्ड का केयर टेकर होता है, ना कि मालिक होता है। जी जी लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, तनकीद करना नहीं चाहता, लेकिन जी अफसोस ये है जी जी कि इमाम का माल इमाम, चूंकि मैं शिया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी कि जी इमाम हुसैन का मातम करने वाले ही इमाम हुसैन का माल खाते हैं, जी 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 मैं वही लोन लूटा है। जी जी और यही वजह है कि आज जो है जी जी बहुत सी वो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खुदबूद हुई है। जी जी लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए एक तरह से आपको एश्योर करना चाहता हूँ जी जी कि मेरी कोशिश है कि कुछ काम हो। जी मजीद जी मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब मैं 29 अक्टूबर को मैं अनकंटेस्टेड हुआ था, उसके बाद मैंने, मेरी दिली तमन्ना है जी आज जी सब मेरी इस मिशन को, ये सोच को सब लोग तारीफ करें कि नहीं, बाकी आपकी सोच बहुत अच्छी थी जो आज वक्त की जरूरत है। जी मैंने जी उसी दिन कहा था कि पटना की सरजमीन पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बनाएंगे जी जी जो बियॉन्ड द रिलीजन होगा, और वो हॉस्पिटल का नाम होगा हजरत इमाम हुसैन हॉस्पिटल, जी माशाल्लाह एचआईएच जी हॉस्पिटल के नाम से जी हम जी उसको खोलने जा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जी जी ताकि ऐसी विपदा में अपने कौम समाज के लोगों को, जरूरतमंदों को मदद मिल सके, ये मेरी अपनी जी जी कोशिश है। वक्फ बोर्ड पर पैसा नहीं है, जी ये जी ट्रस्ट के जरिए किया जाएगा। जी जी तो ये यूपी चेयरमैन जो जो शिया वहाँ पे जो वसीम रजवी का, क्या वो सर्टिफाइड वो है वहाँ पर? आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब क्या इस पे अब तरकीद करें, बदनाम जमाना हो गए हैं वो। जी जी अफसोस की बात है कि अपने आप को शिया करने वाले, जी जी और शियत को उन्होंने बदनाम, बस एक लाइन में कहेंगे शियत को उन्होंने बदनाम किया। जी 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 और मुझे ऐसा लगता है जी जी कि वो एक इस तरह के बयानात देके एक मुसलमानों में मुसलमानों में एक कशीदगी पैदा करना चाह रहे थे, लेकिन जो जी नहीं हो जी पाया जी 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 उनके कुरान के मसले। सबसे पहले अगर वीडियो वायरल किसी का हुआ तो अफजल अब्बास का हुआ उनके खिलाफ, जी 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 क्योंकि जी मैं मुसलमान हूँ, शिया सुनी बात की बात है, जी जी भले मुसलमान हूँ, जी माशाल्लाह कुरान पे जी हमला करना जाहिर सी बात है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, जी जी इत्मादी नहीं हो तो मुसलमान हो कहा हो ही नहीं सकता है। जी तो जी फौरन मैंने कमेंट्स किया था और मैंने वीडियो वायरल होता, अगर आप देखेंगे जी तो जी जी शायद अगर मेरे फेसबुक वगैरह पर जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा ये। जी जी तो बहरहाल अब्बास साहब, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया, और हम फिर आपको, आपके इस खिदमत को जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, और आप जो है हम दुआ करते हैं कि आप लगातार इसी तरह बस आप आप अपने लोग की और जी आप लोग की दुआएं चाहिए, हौसला अफजाई जी, जी जी अल्लाह जी बिल्कुल जो है गामजन रखे कि इस जी जी तरह काम के बिल्कुल करने पे हम लोग से काम लेता रहे। जी जी बिल्कुल और अब बस फिर हम आप आपको जो है नेक्स्ट टाइम फिर आपको फिर हम आप हमारे जो है इस प्रोग्राम में आपको शामिल करेंगे। जो है शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।